मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुहर्रम की 10वीं तारीख है, आज योम अशूरा का दिन है। आज शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से जुलूस निकाला गया और मातम भी किया गया। अशूरे के दिन ही इमाम हुसैन करबला की जंग में शहीद हुए थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, जो करबला में इस्लाम की खातिर जंग में शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुमरा शहर में कई हिस्सों से जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के इस जुलूस में ताज़िए के साथ साथ सड़कों पर मातम करते हुए भी देखे गए। इसके अलावा सड़कों पर सबील भी लगाई गई थी, जिसमें लोगों को हज़रत इमाम हुसैन के नाम से नियाज दिया गया। वहीं जुलूस में किसी भी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, इसलिए DCP गणेश गावड़े, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NV कोल्हटकर खुद मौजूद रहे और पुलिस का भारी बंदोबस्त जुलूस में लगाया गया था। इस जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग और कैसी इसमें व्यवस्था लगाई गई थी, इसके बारे में DCP गणेश गावड़े ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। देखिए, इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी वो इंसानियत के लिए दी थी, तमाम आलम इस्लाम के लिए दिया था, ताकि दुनिया में अमन व अमान और शांति का पैगाम पहुंच सके। इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है, एकता का मज़हब है, किसी को मारने वाला मज़हब नहीं है, मज़लूमों वाला मज़हब है। ये इस्लाम की एक सही तस्वीर नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिखाई कि इस्लाम जो है वो शहादत देने का नाम है, कत्ल करने वालों का नाम इस्लाम नहीं है, कत्ल करने वालों के साथ इस्लाम नहीं है। वो इमाम हुसैन इस्लाम ने पैगाम दिया, नबी के नवासे ने ये दिखा दिया कि इस्लाम की सही तस्वीर क्या है करबला में। मेरा नाम रियाजुद्दीन अहमद कादरी है, ये कादरी सबील है, मेरे वालिद साहब ने नाम इसका पसंद किया था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील मुबारक है, ताज़िया मुबारक है। मेरी वालदेन की तरफ से ख़ास तंबीह थी कि आप हर साल सबील बनाएं, नियाज बांटें, लंगर बांटें और इमाम हुसैन की याद मनाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जान को, अपने बच्चों को, सबको करबला शरीफ में अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश किया इस्लाम के लिए, उम्मत मोहम्मदी को बचाने के लिए। जो कुछ लोग थे इस्लाम के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाके अलग अलग नया नया कानून पैदा कर रहे थे और मुफ्तियों को ख़रीद कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 5,000 मुफ्तियों ने फतवा लगाया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हसन को कत्ल किया गया, हज़रत जितने भी उनके अहले बैत 18 के घर वाले उनको सबको कत्ल इसलिए किया गया था कि वो इस्लाम को ले कर चल रहे थे और यहूद व नसारा चाह रहे नहीं थे कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए। जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, जंगे जितनी भी हो, जंगे सब में यही मामला था कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए। ए मुहर्रम का प्रोसेशन थाना सिटी में सबसे बड़ा मुमरा में मनाया जाता है। ये अच्छे से हो, शांति से हो, इसके लिए पिछले 10 दिन से तैयारी शुरू है। तैयारी में शुरू में सबकी मीटिंग्स हुई, बंदोबस्त के एंगल से पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर थी। हर साल की तरह इस साल भी बंदोबस्त मनाया जाएगा, वो शांति से हो, इसलिए हमने SRPF के 2 प्लाटून्स बाहर से मंगाए, पुलिस हेडक्वार्टर से हमने स्टाफ मंगाया और बाकी कमिश्नरेट से भी स्टाफ हमें मिला है। ये बंदोबस्त लगाया और मेनली इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन अच्छा होने की वजह से बहुत स्मूथली ये पूरा प्रोसेशन शुरू है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है।